आज हम पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास। मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन क्या होता है? जैसे कि हम किसी स्थायी संपत्ति, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, मोटर गाड़ी, ये सारी चीज़ें, किसी स्थायी संपत्ति को हम अगर निरंतर उपयोग करते हैं तो उसके मूल्य में जो समय समय कमी आती है, जो धीरे धीरे कमी आती है, वह मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम एक मोटरसाइकिल परचेस करते हैं या होंडा एक्टिवा परचेस करते हैं 50,000 रुपये की, और 50,000 रुपये की परचेस करते हैं हम उसे अगर एक साल बाद सेल करते हैं, अगर हम एक गाड़ी परचेस करते हैं 50,000 रुपये की और उसे हम एक साल बाद सेल करते हैं, तो वह 50,000 की ना बिककर कम से कम 40,000 में जाएगी, और उसे 2 साल बाद अगर हम सेल करते हैं तो 40 की जगह 30,000 में बिकेगी, 3 साल बाद बेचेंगे तो 20,000 रुपये में बिक सकती है, सोल्ड हो सकती है। तो हम ये देखते हैं कि हम अगर एक एक्टिवा को निरंतर उपयोग कर रहे हैं तो हर साल उसके मूल्य में एक निश्चित मात्रा में कमी आ रही है, पहले साल 10,000, दूसरे साल 10,000, तीसरे साल 10,000। यह कमी क्या कहलाती है? ऑक्शन कहलाती है या हार्श कहलाती है। तो ये डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन के प्रकार, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन की विधियाँ, तो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन की ऐसी कुल मिलाकर 16 से 17 विधियाँ होती हैं, लेकिन हम मुख्यतः सिर्फ 2 विधि का ही अध्ययन करते हैं। एक होता है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, एक होता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, स्थाई किस्त पद्धति और घटती किस्त पद्धति। तो स्थाई किस्त पद्धति क्या होता है और घटती किस्त पद्धति क्या होती है? स्थाई किस्त पद्धति, एक मशीन परचेज रुपीज 10,000, अगर हम कोई मशीन 10,000 रुपये की परचेज करते हैं और उस पर हर वर्ष डेप्रिसिएशन 10% पर एनम वार्षिक चार्ज करते हैं, पर एनम चार्ज करते हैं, तो 10,000 का 10% कितना होगा? 1,000, तो नेक्स्ट ईयर कितना रहेगा? 9,000। तो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, स्थाई किस्त पद्धति में क्या होता है? डेप्रिसिएशन एक बार कैलकुलेट करते हैं और हमेशा सेम रहता है, इस पर कोई चेंजेस नहीं होता, मतलब इस पर हर साल डेप्रिसिएशन क्या रहता है? 1,000। स्थाई किस्त पद्धति से आशय है वह पद्धति जिसमें डेप्रिसिएशन हम एक बार कैलकुलेट करते हैं और हमेशा हर वर्ष वह सेम रहता है, और स्थाई किस्त पद्धति में संपत्ति का मूल्य निरंतर हाश या डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद एक समय पश्चात उसका मूल्य शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है। इसके बाद आते हैं हम लोग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, अर्थात घटती किस्त पद्धति। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, जिसे हम हिंदी में घटती किस्त पद्धति भी कहते हैं या ह्रासमान पद्धति भी कहते हैं, अनेकों नाम है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या घटती किस्त पद्धति। इस पद्धति में क्या होता है? इस पद्धति में हम डेप्रिसिएशन हर वर्ष चार्ज करते हैं, हर वर्ष जो भी मशीन का प्रारंभिक मूल्य होता है उस मूल्य पर चार्ज करते हैं। कहने का मतलब यह है कि जैसे एक मशीन परचेज किया 10,000 रुपये की, कितने की मशीन खरीदा? 10,000 रुपये की, और उस पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज किए 10%, 10% के हिसाब से 1,000 रुपये, तो इसकी वैल्यू नेक्स्ट ईयर कितनी हुई? 9,000। डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं ईयर एंडिंग, ईयर एंडिंग मीन्स कैलेंडर ईयर या फाइनेंशियल ईयर, कैलेंडर ईयर हमारा कंप्लीट होता है 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर, और फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है 31 मार्च को, या तो हम 31 मार्च को डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं या 31 दिसंबर में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चार्ज करते हैं। तो यहाँ पर मशीन परचेज की 10,000 रुपये की, जिस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया हम 1,000 रुपये, तो अगले वर्ष स्टार्ट में 1 जनवरी को या 1 अप्रैल या 1 जनवरी को मशीन की वैल्यू कितनी है जी? 9,000। अगले साल फिर 31 दिसंबर को फिर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, 9,000 का 10% 900, तो कितना बचा? 8,100। तो होता क्या है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड पे स्थाई किस्त पद्धति में डेप्रिसिएशन एक बार निकालते और हमेशा सेम रहता है, जैसा 1,000 रुपये निकाले थे हर साल 1,000 ही रहेगा, लेकिन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या घटती किस्त पद्धति में डेप्रिसिएशन हम हर साल ईयर एंडिंग चार्ज करते हैं, पहले साल कितना डेप्रिसिएशन था? 1,000, दूसरे साल कितना है? 900, इसके बाद हम अगर नेक्स्ट ईयर फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो डेप्रिसिएशन फिर 10% के हिसाब से इसका कितना हो जाएगा? 810। तो डेप्रिसिएशन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या घटती किस्त पद्धति में डेप्रिसिएशन क्या होता है? हर साल ओपनिंग बैलेंस पर चार्ज करते हैं। तो ये हो गई हमारी स्थाई किस्त पद्धति और घटती किस्त पद्धति।
स्टैक वैल्यू मेथड, अवशेष मूल्य पद्धति, यह भी स्थाई किस्त पद्धति या फिक्स्ड इंस्टॉल मेथड का ही एक भाग होता है स्क्रैप वैल्यू मेथड, जिसमें हम डेप्रिसिएशन, अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नॉट गिवन, अगर क्वेश्चन में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया है लेकिन मशीन का जीवन काल दिया है, अवशेष मूल्य दिया है, तो हम लोग इस फॉर्मूले से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। स्क्रैप वैल्यू मेथड जिसे अवशेष मूल्य पद्धति भी कहते हैं, इसमें डेप्रिसिएशन या ह्रास कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ मशीन प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन वर्किंग लाइफ। तो कॉस्ट ऑफ मशीन क्या होती है? कॉस्ट ऑफ मशीन होती है मशीन की लागत। कॉस्ट ऑफ मशीन क्या होती है? मशीन की लागत, जितने हम लोग खरीद रहे हैं। लेकिन हम अगर मशीन कहीं खरीदते हैं या बाहर से मंगाते हैं, अगर हम रायपुर के निवासी हैं, हम हैदराबाद से या मुंबई से या महाराष्ट्र कहीं से मशीन मंगाते हैं, तो लाने के बाद उसको क्या करना पड़ेगा? अपनी फैक्ट्री में ले जाकर इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिक्स करवाना पड़ेगा। तो वो सब क्या होता है? इंस्टॉलेशन चार्जेस, उसे भी हम नई मशीन में ही ऐड करते हैं, नई मशीन में ही जोड़ते हैं। मशीन की लागत धन स्थापना व्यय कहते हैं इसे। इसे माइनस करते हैं स्क्रैप वैल्यू अपॉन वर्किंग लाइफ। तो स्क्रैप वैल्यू क्या होती है? स्क्रैप वैल्यू मतलब एक अनुमानित मूल्य। जैसे हम एक मोटरसाइकिल परचेज करते हैं, तो मोटरसाइकिल हम ये मान के चलते हैं कि अगर उसे हम 5 साल चलाएंगे और 5 साल बाद बेचेंगे तो वो कम से कम 15,000-20,000 में बिक सकता है। या हम 10,000 रुपये का एक मोबाइल परचेज करते हैं और हम उसकी अनुमानित वैल्यू मानते हैं, रीसेल वैल्यू मानते हैं कि हम अगर इसे 3 साल बाद बेचना चाहें तो 10,000 का मोबाइल कम से कम हमको 50% वापसी देगा, 5,000 रुपये कैशबैक आएगा, यह मानकर चलते हैं, वो कहलाती है स्क्रैप वैल्यू। तो ठीक उसी प्रकार मशीन की भी एक स्क्रैप वैल्यू होती है। वर्किंग लाइफ, वर्किंग लाइफ मतलब जीवन काल। हम कोई भी मशीन परचेज करते हैं या मोटरसाइकिल परचेज करते हैं या मोबाइल परचेज करते हैं, किसी भी प्रकार का इक्विपमेंट परचेज करते हैं, तो हम ये मानकर चलते हैं कि उसका जीवन काल 3 वर्षों का, 5 वर्षों का, 7 वर्षों का, तो कंपनी जो भी निर्धारित करती है वो कहलाती है वर्किंग लाइफ। इसे हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। जैसे एक मशीन क्रय की 8,000 रुपये की, उस पर स्थापना व इंस्टॉलेशन चार्जेस 2,000 रुपये, स्क्रैप वैल्यू 2,000 रुपये, वर्किंग लाइफ मशीन की लागत जीवन काल कितना है 5 वर्ष, हमको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो इस मेथड से हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट ऑफ मशीन प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन वर्किंग लाइफ। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ मशीन, मशीन की लागत कितनी है 8,000 रुपये, प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस, कितना इंस्टॉलेशन चार्जेस 2,000 रुपये, माइनस स्क्रैप वैल्यू, कितना स्क्रैप वैल्यू हम देखते हैं 2,000 रुपये अपॉन वर्किंग लाइफ, कितना है हमारा जीवन काल मशीन का 5 वर्ष 5 ईयर, 10,000 माइनस 2,000, 10,000 माइनस 2,000 डिवाइड बाय 5, ये कितना आ जाएगा 8,000 डिवाइड बाय 5 ईयर, ये हो जाएगा 1,600, ये कैलकुलेट हो जाएगा हमारा डेप्रिसिएशन।